हेलो गाइस, आज हम आपको इस स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले कपड़े को 7 इंच नाप कर उसके बाद फोल्ड कर लेंगे। यहाँ मैंने 7 इंच नाप के फोल्ड कर लिया है। अब चलिए हम कमर से हिप की लंबाई लेना बताते हैं आपको। तो कमर से हिप की लंबाई मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब हिप से घुटने तक की लंबाई लेंगे, तो हिप से घुटने तक की लंबाई मैं ले रही हूँ 14 इंच, और आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ इस तरीके से सीधे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद घुटने से पैर के अंगूठे तक की लंबाई ले लेंगे। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आप नीचे की तरफ 2 इंच बढ़ा के कपड़े को निशान लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा नीचे मोड़ने में चला जाएगा 2 इंच। कमर की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे, तो कमर की चौड़ाई है 30 इंच, तो इसमें 6 कलियाँ रहेंगी। तो कमर की चौड़ाई है 30 इंच, तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का आधा होगा 2.5 इंच, तो यहाँ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हिप की चौड़ाई के लिए भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी अब नीचे घुटने के लाइन पे भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इस तरीके से आपस में तीनों निशान को मिला लेंगे। तीनों निशानों को मिलाने के बाद यहाँ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि कमर हमें 30 इंच रखनी है, तो 0.5 इंच हम कम करके उसके बाद इस तरीके से हिप के निशान पे कर्व करके मिला देंगे। अब नीचे घुटने के निशान से हम घेरे के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक सीधे निशान लगा लेंगे, इस तरीके से इंची टेप को रख के। अब इसकी निशान लग चुकी है, अब कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ जो घुटने का निशान हम लगाए थे घुटने तक का, वहाँ पे 0.5 इंच, इस तरीके से 0.5 इंच पे निशान लगा के, और देख सकते हैं 0.5 इंच है, 0.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से मिला के कट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है, ये हिप वाला हिस्सा है और ये घुटने वाला हिस्सा है, और यहाँ घेरा हो जाएगा नीचे की साइड। तो आप देख सकते हैं कि कटिंग करने के बाद की कैसा लग रहा है, इसका लुक कैसा आएगा आपको पता ही चल रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे चौड़ा और वहाँ पे पतला और नीचे घेरा रहेगा। अब इसी तरीके से हम बाकी पीसेस को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 बार कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं, और यहाँ देख सकते हैं हम 0.5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखे हैं, इस वाले कली से इधर एक्स्ट्रा 0.5 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें जिप लगाना है, बैक वाला पार्ट है ये, और ये जो हम रखे हैं फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ 0.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से
बढ़ा के उसके बाद यहाँ सेम वैसे ही निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये इस दोनों पीसेस को अलग करके, ये वाला आप देख सकते हैं ये फ्रंट वाला पीस था जो पहले शुरुआत में हमने कट किया था, और बाद में जो बढ़ा के हम कट किए हैं थोड़ा सा, वो बैक वाला पार्ट है, उसमें हम जिप लगाएंगे। अब इस फ्रंट वाले पार्ट को रख के हम बाकी 4 पीसेस को कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कलियाँ कटने के बाद यहाँ पे 6 के 6 कली कटी हुई हैं हमारी, कट गई हैं। अब इसको चलिए हम सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक वाले पीस जो कट किए थे थोड़ा सा बढ़ा के उसको ले लेंगे, उसके बाद दोनों किनारे 1-1 कली रख के सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों किनारे 1-1 कली रख के सिलाई करेंगे। कलियों को इस तरीके से रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सिलाई भी कर लिया है इस तरीके से। अब सेम इसी तरीके से फ्रंट वाले पार्ट में दोनों तरफ 1-1 कली रख के सिलाई कर लेंगे। अब बैक वाले पार्ट को इस तरीके से मोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बराबर करके कपड़े को बीच में कटिंग करेंगे जिप लगाने के लिए। तो यहाँ बीचों बीच हम कटिंग करेंगे चैन लगाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ देख लेंगे हम कि जो कली यहाँ जॉइंट किए थे वो दोनों सिलाई एक जगह पे होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम नाप लेंगे कि चैन कितना लंबा है हमारा, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। इसके बाद हम 3 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा एक कपड़ा कट कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से स्कर्ट के टुकड़े को रखेंगे जहाँ हमने कटिंग किया है बैक पार्ट में चैन लगाने के लिए, वहाँ सिलाई कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप रखने के बाद सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ चैन हम लगाएंगे। यहाँ मोड़ के तो सिलाई कर ली है, बाद में तुरपाई कर लेंगे वहाँ। अब चैन लगाएंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले तो हम दोनों बैक वाले पार्ट जो है और जो फ्रंट वाला पार्ट है दोनों को सिल लेंगे, किनारे दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे।
तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे हम मोड़ कर सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चैन लगाएंगे। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो को तो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हम इससे भी अच्छा अच्छा डिज़ाइन बनाने को बताएँगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको जो भी बनाने नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं ये स्कर्ट में चैन भी लग के रेडी हो गया। अब ये एकदम स्कर्ट तैयार हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है स्कर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बना भी दिया है पूरा स्कर्ट और ये पहन भी ली है पार्टी में। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है स्कर्ट।